मैं बिन सराइकियों का दामाद बन गया हूँ। मैं बचपन में जब रोती थी तो इनको आलिम ऑनलाइन दिखा के चुप किया। आमिर लियाकत एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए। सियासी जमात छोड़ने के बाद ये खबरें सामने आईं कि आमिर लियाकत की तीसरी बीवी ने इन्हें छोड़ दिया है। ताहम रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी तीसरी शादी से मुतल्लिक गर्दिश करती अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। दो माह पहले आमिर लियाकत ने टिकटॉकर दानिया शाह से तीसरी शादी की थी और इसके बाद हर वक्त आमिर लियाकत अपनी नौजवान कम उम्र बीवी के साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर करते नजर आते, कभी टिकटॉक तो कभी टीवी प्रोग्राम्स में। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से ये खबरें सोशल मीडिया में फैलाई जा रही थीं कि आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शोहर आमिर लियाकत के हमरा पोस्ट की गई तमाम तस्वीर डिलीट कर दी हैं। इसके अलावा ये अफवाहें भी जेरे गर्दिश थीं कि आमिर लियाकत इंस्टाग्राम पर अब दानिया को फॉलो भी नहीं कर रहे, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा था कि दोनों में अलहदगी हो गई है। तहम आमिर लियाकत ने अब खुद इन तमाम खबरों की तरदीद की और इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की। पीटीआई के मुनरिफ रुकन कौमी असम्बली ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, इस पर बकवास लिखा। एक और स्टोरी में उन्होंने दानिया का अकाउंट भी शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि अकाउंट पर हाल ही में आमिर लियाकत की एक वीडियो शेयर की गई, जबकि दानिया ने अपनी हर पोस्ट में आमिर लियाकत को मेंशन भी किया हुआ है। हेलो असलामुअलैकुम, मैं दानिया आमिर और हम दोनों एक हैं, हम दोनों में कोई एलर्जी नहीं। प्लीज़ काइंडली आप ये अफवाह फैलाना बंद करें प्लीज़। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।